नमस्कार, आप सबके कनक जीवन चैनल में स्वागत बा। आज हम एगो मुद्दा पर बात करे के चाहतनी और सवाल करे के चाहतनी। जे कनक जीवन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जे संपादक बा संतोष सर, वहाँ के हर केहू से सवाल करे नहीं, लेकिन हम आज वहाँ से 3-4 गो सवाल जरूर करम। चल तनी वहाँ के लगे, ठीक बा। तो सबसे पहले सर से नमस्कार। सर नमस्कार। आज हमने के दर्शक आज रउआ से सवाल कराई, रउआ जवाब दें। आज दर्शक के ये मतलब हर केहू के मन में हो, लेकिन ये आवाज़ उठावे के केहू नहीं चाहत। तो हम ये पूछे वाला बानी कि ये ढोर स्थान मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये तो सब केहू जानता। तो यहाँ जो व्यवस्था बाटे, व्यवस्था के नाम पर शून्य बा, लेकिन हम यू केहू कुछ कहला कि जैसे मैं ढोर बाबा के जे कमिटी के बटे ऊपर सवाल उठावल जाओ, बहुत कुछ ऐसा ही नहीं सहन। लेकिन हम एक दूसर मुद्दा पर बात करे के चाहतन। ये ढोर बाबा के जितना यहाँ क्षेत्र बटे, यहाँ लगभग केहू ना केहू एक डाक लेवेला नू। आज से ना बहुत पहले से डाक लेता, केहू 4 लाख में लेते हो, आज का तो बढ़ गई बा, रेट सुननी हो। लेकिन ये बताई कि जे डाक लेवेला वो तो पैसा कमाए खातिर लेवेला। आज दुकान ही है, कम से कम 150 दुकान बा, 150 दुकान से कौनों से 2000, कौनों से 500, कौनों से 700, मतलब यही है मिनिमम हुई। तो खाली वो पैसे उसली कि यहाँ के व्यवस्था देखी, कोना कोना से खाली पैसे उसली कि यहाँ के साफ सफाई, गंदगी, चाहे पानी लगाता, चाहे उधर खाली लोगे के मुद्दा बा कि वो जो ठेकेदार बा ओकरो कुछ जरूरत बटे। सबसे बड़ी बात यहाँ बा जौन कि मंदिर 300-400 साल पुराना हो, आएमे ई मंदिर तो भसत रहे, खत्म होत रहे। तो यहाँ सरकारी महात्मा के कुछ लोग बनल आयल, कमेटी बनौल, जैसे झा जी, थाना स्टाफ, बैंक स्टाफ, यहाँ के स्थानीय लोग कमेटी बनल। तो कमेटी बनल तो मंदिर के जीर्णोद्धार भेल, जीर्णोद्धार होके अभी तक विकास के काम इतना कमेटी के तरफ से भेल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ठेकेदारी पहले भी होत रहे, आज भी होता। सवाल ये तो ठेकेदारी पहले होत रहे तो मंदिर पर दुकान ना लगत रहे, इमली के पेड़ पर दुकान ना लगत रहे, एगो बाल विहार मंटेश्वरी स्कूल चलत रहे वहाँ। मंदिर में जब मेला होके तो दुकान लगे, अब यहाँ परमानेंट दुकान हो गई बा। तो परमानेंट दुकान हो गई बा, जो ठेकेदारी ले ले बा, वो कमाए खातिर तो जमीन के अधिग्रहण करबे करी आ धरबे करी, वो कमेबे करी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बा कि मंदिर है, आ ढोरनाथ बाबा के मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। तो और कबो ना, लेकिन जब जब मेला होता तब से तब तब कम से कम यहाँ सड़ सफाई के व्यवस्था, जल जमाव बा, बहुत तरह के सफाई बा। तो सफाई के नाम पर ना कमेटी के तरफ से कुछ बा, आना मेला के ये ठेकेदार बा ओकरा तरफ से बा। तो चूँकि मंदिर पवित्र जगह होला, लोग यहाँ आवेला, बाबा के दर्शन करला, मन के शांति मिलेला, तो शांति खानी तो यहाँ कुछ हमरा दिखाई देबे ना करे। चाहे वो हम कमेटी के बात कहीं तब, चाहे ठेकेदार के बात कहीं तब, चाहे आम नागरिक की जागरूकता के बात कहीं तब। यहाँ कबो मेला में आए तो मेला में जेगा आए, जेगा सामान्य स्थिति बा, वहीं का सामान्य स्थिति हर साल रहेला, हमेशा रहेला। तो एमे सबसे बड़ा चीज बा कि लोग के शौक। अच्छा, एमे लोग के तो ठीक बटे, लेकिन ठेकेदार के में का भूमिका रहेगा चाहिए? ठेकेदार खाली पैसे उसली कि जैसे देखी मंदिर के कोना कोना पे दुकान बटे, मंदिर के आगे भी दुकान बा, तो पैसा उसलत हुई? हाँ, तो उसलत तो पैसा उसलत हुई तो यहाँ गढ़ा हो गई बा, जैसे हमने के बाईपास जानी से जैसे पोखरा के रास्ता में बटे। अरे ठेकेदार डिपेंड करता दुकानदार पर, जे भाड़ा वाला भड़ैता बा उ पाको में रहे खातिर तैयार बा, तो ठेकेदार का करी? पाके में ओकरा के 2000-4000-5000 देवे खातिर तैयार बा, तो ठेकेदार का करी? ठेकेदार के तो बचते बा। अब वहाँ उ शर्त रख कि ना एकरा के भरवाई, एकरा के साफ सुथरा करवाई, तब हम ठीक कर ले अथी भाड़ा पर लें तब नु। एमे तो सबसे बड़ा दुकानदारों को कमी बा, पैसा लोग को लगे ज्यादा बा, गुह गोबर में भी लोग रह जाता, तो ठेकेदार का करी? ठेकेदार के तो बचते बा, ठेकेदार एगो जमीन दिलस आ उलझुल करके पैसा उसीलस। और मंदिर के का होता, नीमन होता, बेजाय होता, ओकरा से ठेकेदार के कोनो मतलब है? ओकरा खाली पैसा से मतलब बात। तो हम पर कमेटी कर दबाव बनाई ठेकेदार पर, तब कुछ हो सकत रहल कि तारा यहाँ नहीं खे लगावे के, चाहे लगावे के बाद तो सफाई करवावे के बाद, मेला के सफाई तो कमेटी करावेला, कहाँ ठेकेदार करावेला? ठेकेदार ना करावेला, जबकि पैसा ठेकेदार कमाता। तो पर आवाज के उठावे वाला बा, कमेटी कुछ बोले वाला बा?
तो ये जब तक आम जागरूकता ना आई, यहाँ के कमेटी ना जागी, ओकर वॉलेंटियर ना हुई, एक सही नियम के तरह ना हुई, तो मंदिर तो जे चल तो हम चल ठीका लेवे खातिर लोग कमाए खातिर ढेर लोग आवता। हाँ कमाए खातिर तो लोग आवते बा, ठेकेदारी के मतलब है जो पैसा लगल तो पैसा उछिलबे करी। अब दुकानदार नाली कमेटी यहाँ के टाइट ना हुई कि तरह यहाँ दुकान नहीं के लगावे, कहीं मंदिर के परिसर हेने हटके हटाओ, हे तरीका से लगाओ कि यहाँ चूँकि यहाँ के सौंदर्यता बनल रहो आ बाबा के लोग जो बाहर से दर्शन करे आता ओकरा कोनो असुविधा ना हो। तो यहाँ तो खाली असुविधा बा, सुविधा के नाम पर तो कुछ है। अच्छा, जैसे अब कि सोमारी के मेला लागल हो और वो सोमारी के मेला देखनी हो, औसन भीड़ रहल आ चाहे अब कि तेरस में औसन भीड़ रहल? नहीं नहीं, मूल बात भीड़ से नहीं के, मूल बात बाकी जरा बाबा से दर्शन करे के बाद वहाँ केहू मना केहू कर, लेकिन जिम्मेवारी बनता यहाँ के कमेटी के, जिम्मेवारी बनता यहाँ के लोग के कि वो जो बाहर से आवता यहाँ से नाखुश होके मत जाओ, ओकरा सुदृढ़ व्यवस्था मिलो, सब कुछ मिलो। अब देखिए या पुलिस रह रहे आ चेन छीन ले मंगलसूत्र छीन ले तो पुलिस बढ़ ले भाई, व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, सही से ओकर संचालन नहीं के हो। पहले दू चार साल भइल वॉलेंटियर रखल गई, सब कोनो के कार्ड देहल गई, आई कार्ड इशू कल गई, वॉलेंटियर मार्केट में फैल गई, मेला में फैल गई, तो कोनो प्रकार के कोनो ऑफेंस ना भइल, कोनो छीना झपटी ना भइल। तो एक प्रकार के चीज कमेटी नहीं है, कमेटी में कुछ सदस्य नहीं खन कि वो तरीका से घूमस चाहे वो तरीका से मेला में सही निर्धारण कर। तो ये सब कमेटी के चीज बा, ठेकेदार ना करिए, एक कमेटी जब जागरूक ना हुई तो ठेकेदार कुछ ना करे। बात तो सही बात, ठेकेदार के तो ओकरो कम से कम ओकरो तो अथी करता कि कम से कम सफाई करवा दी, माटी भरवा दी जन गढ़ा गुरुही बा। तो रउआ तो बात कहिए तो एक को बात हम कहने जो पैसा कमाई तो का रुपये खर्चा करी, जब तक जब लोग जो पाके में लोग रह खाते तैयार। बात सही कहता, ये सब बात बा, कमेटी के सही अपन निर्णय लेवे के चाहिए। आ जौन भी ठेकेदार एक ठेका लेता ऊपर एगो नियम बनावे के चाहिए कि तरह हियाँ से हियाँ ले दुकान लगावे के बा, आ लगावे के बाद तो साल में तरह हियाँ मिट्टीकरण करे के बा, माने कि जौना के चलते सौंदर्यीकरण जौन बा कि शिव बाबा के बनल रहो, आ बाहर से जे भी अतिथि आगंतुक या भक्त आवता ओकरा कोनो परेशानी ना हो। ये बात बा, यहाँ ये तरह का बनावे कि बाहर से ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आवे, ओकरा असुविधा ना हो, के 10 मिनट बैठे भगवान से अपन दुखड़ा कहे, ओकरा मन के शांति मिले, वो घर जाओ। तो यहाँ तो अशांति, घर में बोले शांति रहेला, यहाँ आके ओकरा शांति दिक्कत हो जाला। ऐसे कि यहाँ व्यवस्था चारों तरफ पूरा कर कर चारों तरफ अव्यवस्था ही व्यवस्था बा, वो अगर 10 मिनट बैठे भी तो कहाँ बैठे, कहाँ बैठे, चबूतरा के आलबा चबूतरा पर दुकान लगा लगा। पहले संस्कृति कार्यक्रम होता है मेला में, लोग जो भाड़ा बकत आवतल अपन हमी के देखले बनी सब छोट छोट रहे सब, देखिए शिवरात्रि लागी तो लोग बाजा नाच गाना करी हो जा, भाड़ा बकी लौंडा के नाच हुई, वो चबूतरा पर वो स्टेज वही खातिर बनावल गया, वो जो दुकान हो गई बा चारों तरफ से सब बैठ बा। एगो और चीज़ देखनी हो जौन परिक्रमा स्थल बटे जैसे ढोर बाबा के चारों बगल में काम बढ़िया कैले बिया, माने पोखरा के जीर्णोद्धार कैल धीरे धीरे जौन बा कि ठीक कैल, लेकिन पोखरा के अरिये अरिये जौन ठेकेदार लगा दिल बा, पैसा तो उछल तो कमेटी से कोनो मतलब नहीं है। अब जे आवत आ पोखरा के भ्रमण करे के चाहता हूँ कहाँ से करी के करी, चूँकि रस्ते नहीं थे सब दुकान लागल बड़ी सर, तो ये कुछ खामी बात एक खातिर कमेटी के पूर्ण रूप से टाइट होकर के पड़ी, आ टाइट होकर ठेकेदार से समन्वय करके जमुना के चलते मेला सही तरीका से होगो, सफाई बढ़िया से होगो, आ बाहर के भक्त यहाँ आके 10 मिनट अगर बैठे तो वाह वाह करे और सुकून। हाँ कि यहाँ व्यवस्था बा, एक खातिर कमेटिए के सब जागे के पड़े। हाँ जौन बाटे मंदिर के रउआ के चल के वीडियो देखल जाए जौन साइड से परिक्रमा करे के रास्ता बनावल गए ओकरा मुँहे पर दुकान लग गई बा। हाँ तो सब बता, उ तो सब खामिया बा, कमेटी चाहिए तब न हटवाई हो जाए चाहे कुछ करी, एमे कोनो नियम कानून नहीं खे, जेकरा जहाँ मन करी वहाँ दुकान लगा दी, जेकरा जहाँ मन करी वो धोली। अब सरकारिये जमीन के लोग यहाँ धले नहीं के, अधिग्रहण कैले नहीं के, नदियों लोग धोल लबा। सही बात बा, नदियों धोल लबा, पैसा ओकर उठाओता भाड़ा उठाओता, तो यहाँ पूछे वाला के बा, यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के प्रतिनिधि के कोनो मतलब है नहीं के, कमेटी कोनो मतलब। वीडियो तो बहुत लंबा हुई लेकिन हमने के शॉर्ट में करके बनाओ तनी सर, फिर कोनो मुद्दा होके रउआ लोग के अगर लागे कि हाँ ए पर बने के चाहिए तो रउआ लोग कम से कम कमेंट करी लो कि मुद्दा कैसन बना जी। हाँ अगर अच्छा लागल तो चूँकि बैठल बैठल हमी के लागल है कि ये पर कुछ बोले लायक बा, कुछ समझे लायक बा, कुछ जाने लायक बा, हर जगह कुछ ना कुछ खामियाँ तो बढ़ले बा, लेकिन अगर तनी सा सुधार कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया सुपीरियर हो जाइए। खास करके सार्वजनिक जगह है, यहाँ बाहर के लोग अपन दुखड़ा लेके आवेला कि बाबा के लगे हम आए तो शांति मिली, वहाँ अशांति की व्यवस्था मिले तो इतना
ठीक नहीं किया, वैसे पैसा भी आवत को पैसा कम थोड़े होता, हर दुकान से एक एक रुपया लिया था, रोज लिया था, वो पैसा होत का बा। ये सब बात सब समस्या विकास के काम में दिखाई कौन देते नहीं कि एक बार सुन लीजिए, अथी आई बा पत्थर आई बसा पत्थर के बसा के मूर्त लगे वाला बात वो कहीं दिखाई नहीं के। खैर वो तो अलग के बाद तो कमेटी जाने, लेकिन सफाई आ यहाँ ऐसा व्यवस्था कही जाए जाना के चलते बाहर के श्रद्धालु जब आवे तो 10 मिनट बैठ के सुकून के सांस ले सके, वैसा अभी कुछ व्यवस्था नहीं। कमेंट कर लो कम से कम, और कमेंट करके बताइए लो कि आगे हौसला मिली या दूसर विषय पर भी कुछ बात। कमेंट जरूर करें लोग, कमेंटे मेन बटे के कमेंट जितना हो लोग लागे कि ना ये मुद्दा सही उठल बा, जितना लोग कमेंट करी लगभग बुझाए कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करी लो ए विषय पर कि मंदिर के जो ठेकेदार बने हैं उनका साफ सफाई करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए कि खाली पैसा उठाई हन। आ कमेटी के जन बात बटे अगला वीडियो में इस सब के विषय पर बनी कि ठीक बा। तो नमस्कार, धन्यवाद।